जय हिंद बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं और कक्षा 12वीं में विषय अर्थशास्त्र में बजट का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बजट का अर्थ और बजट के जो कंटेंट हैं, इसके जो अवयव हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। साथ ही वहाँ पर हमने ये जाना था कि बजट कितने प्रकार का होता है। आइए इसी को एक बार रिव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बजट को हमने देखा था कि बजट मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय दोनों बराबर होते हैं, परंतु संतुलित बजट प्राप्त होना कठिन है या फिर संतुलित बजट प्राप्त नहीं हो पाता। तो असंतुलित बजट हमारे सामने आता है और असंतुलित बजट में बजट दो प्रकार का होगा, घाटे का बजट और अधिक का बजट। अधिक का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्ययों से अधिक होती है, परंतु यह बजट भी सरकार उपलब्ध नहीं कराती या नहीं देती। तो अगला एक बजट होता है घाटे का बजट, और घाटे का बजट सरकार की वह आर्थिक स्थिति है जिसमें सरकार के अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक होते हैं। प्रत्येक सरकार घाटे का बजट देना ज्यादा उचित समझती है। इसके पीछे कारण यह है कि 1930 की महामंदी के बाद जो आर्थिक विकास हतोत्साहित दिखाई दे रहा था, उसके बाद सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि सरकार के व्यय अधिकतम सामाजिक कल्याण में खर्च हों। तो घाटे का बजट मुख्यतः जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर आर्थिक विकास का द्योतक होते हैं, वहीं महामंदी या बेरोजगारी से उबारने के लिए भी घाटे का बजट उचित माना जाता है। वहीं यह अधिकतम सामाजिक कल्याण का परिचायक भी होता है। तो हम यहाँ पर घाटे का बजट देख रहे हैं, वहीं हम यह जानना चाहेंगे कि घाटे के बजट के अंतर्गत किस प्रकार का घाटा सरकार वहन करती है या घाटे के प्रकार क्या है। तो बजटरी घाटा मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, सर्वप्रथम राजस्व घाटा, दूसरा वित्तीय घाटा और तीसरा प्राथमिक घाटा। आइए अब हम इसका विस्तार से एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि सरकार कुछ राजस्व के व्यय प्रतिवर्ष करती है और राजस्व व्यय को वह अपने बजट में शामिल करती है। तो जब राजस्व व्यय या जो अनुमानित राजस्व व्यय हैं वे अनुमानित राजस्व प्राप्तियों या आय की तुलना में अधिक हो जाएं, तो इसे हम राजस्व घाटा जानते हैं या राजस्व घाटे के रूप में पहचानते हैं। इस तरह से बच्चों, रेवेन्यू घाटे का सूत्र होगा रेवेन्यू व्यय माइनस रेवेन्यू प्राप्तियां। बच्चों, जब सरकार को राजस्व घाटा होता है तो राजस्व घाटा यह बताता है कि सरकार अपने आवर्तक व्ययों को पूरा करने में या जो उनके नियमित संचालन संबंधी व्यय हैं उनको पूरा करने में असमर्थ है। वहीं दूसरी ओर राजस्व घाटा यह बताता है कि सरकार अपनी मैक्सिमम जो उनकी इनकम है या जो उनके आय प्राप्तियां हैं उनका प्रयोग वहाँ उपभोग खर्चों के पूरा करने के लिए कर रही है। इसी तरह राजस्व घाटे के अंतर्गत हम यह भी समझ सकते हैं कि सरकार की जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं वे सभी पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग भी दैनिक खर्चों के लिए या आवर्तक खर्चों के लिए होने लगता है और ऐसी दशा में सरकार की संपत्तियों में कमी आने लगती है और सरकार के दायित्व बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार राजस्व घाटा सरकार को इस बात की चेतावनी देता है कि सरकार की आय में कमी आ रही है और व्यय बढ़ रहे हैं, अतः सरकार को आय के स्रोत बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। तो राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार भी प्रयासरत होती है और सरकार इस राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए दो तरह की कोशिश करती है। सबसे पहली चीज व्यय में कमी। व्यय में कमी के अंतर्गत इनके वे व्यय जो संचालन से संबंधित हैं, जो आवर्तक व्यवहार के हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये कटौती करने का प्रयास करती है। सरकार की यह कोशिश होती है कि सरकार ऐसे व्ययों में कटौती करे जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है, इसके लिए वह प्रभावी कदम उठाती है। वहीं दूसरी ओर सरकार राजस्व आय में वृद्धि के भी प्रयास करती है और जिसके लिए वह
कर राजस्व और गैर कर राजस्व के तहत इनके स्रोतों से प्राप्त आय को बढ़ाने का प्रयास करती है। घाटे की बजट में दूसरा प्रकार है वित्तीय घाटा। सरकार को बजट में वित्तीय घाटा जब होता है तो उसको वह इस प्रकार प्रदर्शित करती है और इसमें यह माना जाता है कि सरकार की जो कुल आय है वह कुल व्यय से कम है। इस प्रकार सरकार का जो वित्तीय बजट है उसमें अगर हम इसको एक सूत्र के रूप में देखें तो कुल बजट घाटा बराबर होता है कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियां। इन प्राप्तियों में हम पूंजीगत प्राप्तियों को और जो आवर्तक व्यवहार या रेवेन्यू नेचर की हैं या राजस्व प्राप्तियां हैं इनको भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जब सरकार को कुल बजट में व्यय अधिक होते हैं और जो उसकी अनुमानित आय है वो इनकी तुलना में कम होती है तो यह वित्तीय बजट को दर्शाता है। बच्चों, सरकार का जब वित्तीय घाटा सामने आता है तो इसके भी कुछ पहलू हमें दिखाई देते हैं। इन पहलुओं के अंतर्गत सबसे पहली चीज ये होगी कि वित्तीय घाटा यह बताता है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना जरूरी है। वह यह बताता है कि सरकार को इस घाटे को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना है और इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होते हैं। जब हम कुछ धन उधार लेते हैं तो इससे हमारे ब्याज की राशि बढ़ जाती है और ब्याज रेवेन्यू बजट के घाटे को बताते हैं जो रेवेन्यू व्यय की बढ़त की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार इस रेवेन्यू घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पुनः ऋण लेती है और उस पर ब्याज की राशि का भुगतान करती है। इस प्रकार यह एक जो चक्र है वह निरंतर चलता रहता है। वित्तीय बजट घाटे के रूप में हमारे सामने है तो वह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मुद्रा प्रसार की ओर अग्रसित है और यहाँ पर सरकार रिजर्व बैंक से ऋण लेकर उस घाटे की पूर्ति करती है। रिजर्व बैंक यहाँ पर नई करेंसी छापती है और जब नई करेंसी मार्केट में आती है तो यह अर्थव्यवस्था में पुनः मुद्रा प्रसार को बढ़ा देती है। वहीं वित्तीय घाटे के बजट में एक चीज हमें और सामने दिखाई देती है वह यह कि वहां पर सरकार घाटे के बजट को पूरा करने के लिए विदेशों से भी ऋण ले लेती है। विदेशों से कोष उधार लेने या ऋण उधार लेने से हमारी विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है और यह कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक विकास है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए भी सरकार के कुछ प्रयास होते हैं, आइए उन प्रयासों को भी हम जान लेते हैं। वित्तीय घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार जो प्रयास करती है उसमें पहला प्रयास है आंतरिक और बाहरी उधार प्राप्त करना। इसके अंतर्गत सरकार सबसे पहले घरेलू या आंतरिक स्रोतों को ढूंढती है जिसमें जनता और व्यापारिक बैंक इत्यादि से उधार या ऋण लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बाहरी स्रोतों में विदेशों या जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ऐसे संगठनों से धन उधार लेकर घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा किया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने का दूसरा एक और बड़ा माध्यम है केंद्रीय बैंक। यहाँ पर केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक से लोन या ऋण लेती है और यह ऋण वह प्रतिभूतियों की जमानत पर लेती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक इस ऋण को पूरा करने के लिए नई करेंसी छापती है और घाटे की वित्त व्यवस्था में अपना सहयोग देती है। जो बजटीय घाटा है उसका तीसरा प्रकार है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे के लिए हमारे पास जो बजट घाटा है जब उसमें से हम केवल ब्याज की राशि को घटा देते हैं तब हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राथमिक घाटे का सूत्र होगा बजट घाटा माइनस ब्याज। प्राथमिक घाटा हमें यह बताता है कि अब हमें हमारे जो ऋण है उन पर ब्याज को छोड़कर बाकी राशियों को किस सीमा तक भुगतान करना है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य या फिर न्यून है तो वह यह दर्शाता है कि सरकार को अपने ऋणों को पूरा करने के लिए जिन ऋणों को पूरा करने का उसने वचन दिया है उनको पूरा करना प्राथमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चों, जब किसी भी देश में सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो इसके लिए पूरे देश में उत्साह होता है और हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि बजट उसके पक्ष में है या नहीं।
बच्चों, जब किसी देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो एक उत्साह का वातावरण होता है, और जब बजट आता है तो सभी व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में बजट में किन चीज़ों को रखा गया है। और जब सरकार बजट तैयार करती है तो वह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करती है। परंतु यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि वास्तव में बजट बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। और यह एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है, और मैं 12वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को इस तरफ ले जाना चाहूँगी कि हम यह जानें कि भारत में बजट किस प्रकार बनता है, किस प्रकार यह बजट संसद में रखा जाता है और किस प्रकार यह बजट पारित होता है। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में बजट को तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। भारत में बजट की कार्यविधि के अंतर्गत सबसे पहले बजट की तैयारी की जाती है, और बजट की तैयारी के अंतर्गत सबसे पहले वित्त मंत्रालय का अनुमान पत्र भेजा जाता है। बच्चों, हर साल जुलाई अगस्त के निकट वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और इनके अधीन जितने विभाग हैं उनके अध्यक्षों को अनुमान पत्र यानी एस्टिमेट फॉर्म्स भेजते हैं, जिनमें वह उनसे संबंधित मंत्रालय और विभाग के लिए उनके आय व्यय का अनुमान भरकर मंगवा लेते हैं। बजट की तैयारी में इसके बाद विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनका अनुमान तैयार होता है। इसके अंतर्गत विभाग अध्यक्ष अपने आय और व्यय के अनुमानों को दो भागों में तैयार करते हैं। प्रथम, वर्तमान आय, साधनों और व्यय की मदों से संबंधित अनुमान। दूसरे, नए कार्यों से संबंधित आय व्यय के अनुमान। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अब इनके अनुमानों पर विचार और सामूहिक अनुमान तैयार किए जाते हैं। इसके तहत प्रशासनिक मंत्रालय को अपने अधीन विभागों से जो अनुमान प्राप्त होते हैं उन पर वह विचार करता है, और माह दिसंबर के अंत तक उन अनुमानों के आधार पर सामूहिक अनुमान तैयार कर इसे वित्त मंत्रालय के पास भेज देता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है, और वह होती है महालेखापाल द्वारा विचार। विभिन्न विभागों से जो प्राप्त अनुमान हमें हुए हैं उनकी प्रतियां महालेखापाल के पास विचार के लिए भेजी जाती हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन अनेक महालेखापाल होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विषयों से संबंधित अनुमानों की जांच करते हैं, और लेखा नियमों की पुष्टि के साथ ये जांच रिपोर्ट भी दिसंबर माह के अंत तक वित्त मंत्रालय के पास पहुँचा देते हैं। इसके बाद अब वित्त मंत्रालय इस पर विचार करता है, और इसके अंतर्गत प्रशासकीय मंत्रालयों से सामूहिक अनुमान और महालेखापाल से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह वित्त मंत्रालय द्वारा विचार के लिए रखी जाती है। प्रत्येक नई मद की गहरी छानबीन होती है। यदि कोई व्यय की मद बढ़ी है तो उसके विषय में मंत्रिमंडल की सहायता से निर्णय लिया जाता है। इसके बाद महालेखापाल द्वारा अनुमानों का वर्गीकरण होता है, और वर्गीकरण के बाद अंतःकालीन योजनाओं पर विचार किया जाता है। यदि कोई विभाग या मंत्रालय अपने पूर्व अनुमानों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय करना चाहे तो वह इसका अनुमान वित्त मंत्रालय के पास भेज देते हैं। इसके बाद अब वित्त मंत्रालय द्वारा आय के अनुमान भी लगाए जाते हैं। व्यय के साथ साथ आय का अनुमान लगाना जरूरी होता है, जिसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर होती है। जो अनुमान लगाने के कार्य में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, बजट की तैयारी होती है, और अब मुख्य बात आती है बजट के प्रस्तुतीकरण की। बच्चों, बजट के तैयार होने के बाद अब एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है, बजट का प्रस्तुतीकरण। बजट के तैयार होने के बाद अब इसे लोकसभा और राज्यसभा में बजट अनुमोदन के लिए रखा जाता है, और प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अंतिम दिन बजट को लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
इसी दिन राज्यसभा में लोकसभा के किसी अन्य मंत्री के द्वारा बजट को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट के प्रस्तुतीकरण के साथ ही साथ वित्त मंत्री जी का यहाँ पर बजट भाषण होता है, जिसके अंतर्गत वित्त मंत्री जो उनकी आर्थिक योजनाएं हैं उससे सभी को अवगत कराते हैं और भविष्य की योजनाओं के संबंध में भी विचार रखते हैं। बजट भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ इसी दिन वित्त विधेयक भी पास होता है। वित्त विधेयक पास होने के साथ ही साथ इस दिन कर नीति और कर इत्यादि विषयों पर भी विचार किए जाते हैं। जिस दिन वित्त मंत्री जी द्वारा यहाँ पर बजट पेश किया जाता है या बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी दिन इस पर विचार विमर्श नहीं होता, बल्कि इस पर अपने विचार रखने के लिए सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाता है और इसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होती है बजट पर सामान्य बहस की। लोकसभा और राज्यसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद एक निश्चित तिथि पर इस बजट पर बहस की एक रोचक प्रक्रिया शुरू होती है और यहाँ पर सभी सदस्य बजट के संबंध में अपने विचारों को रखते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी मत है जिस पर मतदान की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर सामान्य विचार विमर्श के बाद उसे पास कर दिया जाता है। जब बहस की प्रक्रिया या विचार विमर्श की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो वित्त मंत्री सभी की आलोचनाओं और शंकाओं के उत्तर देते हैं। इस प्रकार बजट पर बहस का चरण पूरा होता है। बच्चों, बजट पर विचार विमर्श के बाद अब बजट के संबंध में मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है और मतदान की दृष्टि से यहाँ पर व्ययों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। पहला मत योग्य मदें और दूसरा जिसमें मत की आवश्यकता नहीं है वे मदें। ऐसी मदें जिस पर किसी मतदान की आवश्यकता नहीं है और वो सामान्य विचार विमर्श के बाद अप्रूव्ड हो गई हैं, उन पर किसी मतदान की आवश्यकता नहीं होती। वहीं दूसरी ओर वे मदें जिन पर अगर हमें कुछ असहमति है तो मतदान की आवश्यकता होती है और इसके आधार पर सदस्य अनुदान की मांग करते हैं, उस मांग के लिए मतदान को प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाता है। बजट पर मतदान के बाद अब विनियोग एवं वित्त विधेयक की बारी आती है। अनुदान मांगों को स्वीकृति के बाद वित्त मंत्री एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करते हैं जिसमें गैर मत योग्य मदें और स्वीकृति प्राप्त मत योग्य मदों को शामिल किया जाता है। इस विधेयक के पास हो जाने के पर सरकार को बजट राशि के व्यय का अधिकार प्राप्त हो जाता है और विनियोग विधेयक के पश्चात वित्त विधेयक को पास कराया जाता है जिसमें कि सरकार के विभिन्न कर प्रस्ताव होते हैं। दोनों विधेयकों को लोकसभा से पारित कराने के बाद इनमें राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है, उसे इन पर विचार के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। इस अवधि में इन बिलों को वापस ना करें तो लोकसभा उन्हें राज्यसभा द्वारा पारित मानकर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए भेज देती है। बच्चों, राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद अब बजट को पारित करने का समय आता है और बजट को पारित करने के लिए जब बजट का कार्यान्वयन शुरू हो जाता है तो इसे हम बजट पारित करने की प्रक्रिया मान लेते हैं। जब बजट पारित हो जाता है तो इसे कार्यान्वित करने के तहत बजट की प्रतियां सभी विभागों को भेज दी जाती हैं और संघ विभागों को उसके आधार मानकर कार्य करने की स्वीकृति दे दी जाती है। बजट को लागू करने के लिए आय का संग्रह, कोषों की अभिरक्षा, कोषों का वितरण और लेखे तैयार करना तथा अंकेक्षण इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा बजट की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हमें एक वर्ष के लिए हमारा बजट प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने एक बहुत ही रोचक विषय बजट की तैयारी और बजट के प्रस्तुतीकरण को देखा। मुझे आशा है आज आपको यह विषय पसंद आया होगा। धन्यवाद।